वेल, मराठी सिनेमा की बहुत बड़ी लेखक हैं पीएल देशपांडे, जिनकी बुक है व्यक्ति अनि वल्ली, जिसका स्वरूप बना रहा है सब टीवी नमूने के नाम से। और हमारे साथ हैं सर, जो कि प्ले करने वाले हैं पीएल देशपांडे का कैरेक्टर। सो ये जानते हैं सर के कैरेक्टर के बारे में। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति अनि वल्ली जब मैं छोटा था मैं पढ़ा था, अब भी पढ़ते आ रहा हूँ। ये पीएल देशपांडे के हर एक किताब की खासियत ये है कि एक बार पढ़ के वो आपका मन नहीं भरता। हर बार आप पढ़ते जाओ तो कुछ अलग पता चलता है। अरे ये खासियत मैं भूल गया। हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे लेखक हैं जो उनकी वही किताब बार बार पढ़ी जाए, और ये खासियत है। और ये किरदार मुझे, ये पात्र मुझे निभाने मिल रहा है, उसका मुझे बहुत आनंद है। अगर मैं आपके कैरेक्टर की बात करूं, तो आपको पीएल के कैरेक्टर में अपने आप को ढालने में कितना वक्त लगा, कितना मुश्किल और कितना आसान था वो? देखिए, अब क्या है कि वैसे बोला जाए तो मुश्किल भी है और आसान भी है, क्योंकि आजकल टेक्निक इतना बढ़ चुका है, तांत्रिक अंग इतने उभर के आए हैं कि ये है, ये है, वो है, ये सब हो जाता है। लेकिन आदमी को एक, फिर पुतले और आदमी में कोई फर्क नहीं ना, अगर सेम दिखना है तो। फर्क ये है कि जो जीवित है उसकी सोच क्या है, पुतले की कोई सोच नहीं होती। तो मुझे ये मालूम था कि मुझे पीएल देशपांडे जैसे दिखने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, मुझे उनकी सोच को लोगों तक पहुँचाना, जो सोच बहुत अलग थी उनकी। जिंदगी भर वो एक सादे आम आदमी की तरह जी, इतने लोकप्रिय होने के बावजूद भी वो आम आदमी के लेखक रहे, आम आदमी में घुल मिल जाते थे, उनमें मिक्स होते थे, हर एक आदमी उनके पास जा सकता था आराम से। नहीं तो हम देखते हैं आदमी बड़ा हो जाता है, लोकप्रिय होने के लिए वो बहुत कुछ करता है, लोकप्रिय होता है तो चश्मा, काला चश्मा लगा के छुप जाता है लोगों से। ये ही वॉज ऑलवेज अप्रोचेबल टू एनी वन एंड मोर ऑफ अ सेंट एंड ऑलमोस्ट लेखक। तो ऐसा काम बहुत कम बार मिलता है ऐसे का पात्र निभाने को। तो आपने मराठी सिनेमा में बहुत काम किया हुआ है, थिएटर में आपने बहुत बखूबी काम किया हुआ है, और ये पहली बार ही है कि आप हिंदी जीसी में एक शो कर रहे हैं जिसमें आप पीएल देशपांडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको कोई प्रेशर है, या यू नो आपको लग रहा है कि तलवार सर पे है, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है? नहीं, प्रेशर तो कुछ नहीं है, थोड़ी सी एक मन में थोड़ी क्या है, एंग्जाइटी जैसे है कि द ओनली प्रॉब्लम इज माई मदर टंग इज नॉट हिंदी एंड माई मदर टंग इज मराठी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। सो हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, तो उसमें कहीं ये व्याकरण की कुछ गलती हो जाए तो, लेकिन मैं लोगों से उसको सुधार लेता हूँ। अगर मैं नमूने की बात करूँ, तो आज के दिन में जब आपका आज प्रेस शॉट लॉन्च हुआ है, तो आज आप किसको मिले, कौन सा एक नमूना आपको अभी मिला आज? यहाँ पे तो नहीं मिला, लेकिन मैं जब आ रहा था मुंबई से पुणे आ रहा था, तो ड्राइवर था चलाने वाला गाड़ी, सो ऐसे चला रहा था, तो मतलब मुझे रुकना नहीं है किधर, सीधा जाएंगे, तो एकदम उसके हाथ, मैं पीछे बैठा था, तो भी मुझे पता चला ही बस रिलैक्स, फिर रुकना नहीं यार, ये 15 मिनट रुकेगा, फिर ये इधर आएगा, उधर आएगा, ये करेगा। और वो एक, फिर बाद में मैंने उससे कुछ बात, ये वो ये, तो वो बहुत अच्छा बोला। सर, हमेशा लोग ये रुकते हैं ना टोल नाके पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्यों भाई, क्या हो गया, तुम्हारी गाड़ी के सामने आके सोते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, अब 230 और 35 रुपया देते हो, काहे के लिए देते हो, थोड़ा जल्दी जाने के लिए ना, तो 250 रुपया खर्च करते हो और मॉल पे जाके आधा घंटा रुकते हो, तो पुराने रास्ते से ही चले जाओ ना। तो ये एक सीख दे गया मुझे वो एक ड्राइवर, अगर उसको क्या ले जाए मुझे, तो उसे फ्री में सब मिलता है, लेकिन उसकी सोच अलग थी। ये सही है, आप भी सोच के देखो, 200-250 रुपये देते हैं जल्दी जाने के लिए और रुकते हैं आधा घंटा मॉल पे, फिर वही होता ना। अगर मैं ये कहूँ कि पीएल देशपांडे की बुक के अलावा अगर कोई और मराठी सिनेमा में से, मराठी बुक में से कोई आप रिक्रिएट करना चाहेंगे या उसमें इनैक्ट करना चाहेंगे, तो वो कौन सी होगी? वैसे वसंत कानेटकर करके एक नाटककार हैं, बहुत ही बड़े नाटककार हैं, उनकी हिंदी में भी, गुजराती हिंदी में बहुत ने उनके ट्रांसलेट हुए हैं, उन्होंने 101 से एक बड़े 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 करेक्टर, ये
आम बात है आजकल, ये ना कि पहले जैसे नहीं रहा, 15-15, 20-20 साल लोग सुपरस्टार रहते थे प्ले में, क्यों नहीं होता आजकल कि उतने बड़े रोल्स नहीं लिखे जाते, क्योंकि उतने बड़े रोल्स लिखने के लिए इतने बड़े लेखक क्षमता वाले नहीं रहे, दैट इज़ अ होल प्रॉब्लम। कास्ट के साथ आपने थोड़े बहुत अपने एपिसोड्स ऑलरेडी शूट कर लिए होंगे, तो आपका उनके साथ कैसा रहा, केमिस्ट्री बॉन्ड कैसा रहा? लवली 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 पीपल, वेरी नाइस पीपल, वेरी नाइस, कुणाल इज सो स्वीट यार। और वो मेरा टीचर है, एक तरफ से मेरा टीचर है, वो है छोटी हूँ बड़ी हूँ थोड़ा सुधारते रहता हूँ। हमारे फैंस के और हमारे ऑडियंस के क्या कहना चाहेंगे? आजकल की जिंदगी है ना, वो कम हंसाती और रुलाती ज़्यादा है, उसका परिणाम अगर आपको, उसका प्रमाण अगर आपको रिवर्स करना है, बदलाव करना है, तो ये नमूने देखिए, आप समझ जाएंगे कि रोते रोते भी कैसे हंसना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम को एक ही सोल्यूशन है, बस हर फिक्र को हंसी में उड़ाता चला गया। Well, this is विशाखा पंडित साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन अमर यादव। नमस्कार, मी संजय मने, तुम्ही पाहतात मला टेली चक्कर मध्ये।